प्रदेश में बाढ़ को लेकर सरकार जहां एक तरफ बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत सामग्री जल्द ही मुहैया कराने का प्रयास कर रही है, वहीं अयोध्या के रामघाट हाल्ट में सरयू नदी की बाढ़ की चपेट में फंसे लगभग 100 परिवारों को राहत सामग्रियों से वंचित होना पड़ रहा है। बाढ़ ने बरपा रखा कहर। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर और दूसरी पूर्वी इलाकों में बाढ़ की स्थिति भयावह बनी हुई है। राज्य के 22 जिलों की करीब 15 लाख की आबादी बाढ़ से प्रभावित है। चारों तरफ बर्बादी की बर्बादी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को गोरखपुर की बुरी तरह बाढ़ प्रभावित इलाकों का निरीक्षण किया। इसके साथ ही उन्होंने प्रभावित लोगों के राजस्व और बिजली के बिल माफ करने का ऐलान किया। बाढ़ पीड़ितों को नहीं मिल रही राहत सामग्री। वहीं आपको बता दें कि अयोध्या के रामघाट हाट में सरयू नदी की बाढ़ की चपेट में फंसे लगभग 100 परिवारों को राहत सामग्री न मिलने के कारण बड़ी परेशानी हो रही है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि सरकार की राहत सामग्री उन तक नहीं पहुंच पा रही है। वहीं बाढ़ पीड़ितों का कहना है कि बिजली से अयोध्या विधायक वेद प्रकाश गुप्ता ने भी बाढ़ इलाके में हो रही तबाही का दौरा किया और लेखपाल को निर्देशित किया कि बाढ़ पीड़ितों की हर संभव मदद की जा सके, लेकिन स्थानीय प्रशासन बाढ़ पीड़ितों को कोई मदद नहीं दे रहा है। लोगों का यह भी आरोप है कि राहत सामग्री लेखपाल के मांगने पर लोगों को धमकाया गया, साथ ही कहा गया है कि राहत सामग्री नहीं दी जाएगी। ऐसे में यह सवाल उठता है कि जब प्रदेश के मुख्यमंत्री बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए जिला प्रशासक को लगाकर निर्देशित कर रहे हैं, तो इनके आला अधिकारी सरकार के आदेशों को क्यों नहीं सुन रहे और क्यों अनसुना कर रहे हैं। नहीं, हम लोग को कुछ नहीं मिला है। और बिजली भी जो है काट दिया गया है, उसमें जो है सांप गुजर आ रहे हैं, पूरा चारों तरफ से पानी लगा था। नहीं, हमारे यहाँ कोई सूचना नहीं मिला, ना हम लोग यहाँ आए थे, विधायक जी जो यहाँ आए होंगे तो और आदमी होंगे उनसे बात किए होंगे, हम लोग को कोई सूचना ही नहीं मिला था सरकार के तरफ से या किसी के तरफ से, हम लोगों को नहीं मिला। अब हम लोग जो है भिक्षावृत्ति करते हैं, कोई जाता है जो पानी में, जो चलने वाला है पानी में वो जाता है, नहीं तो और आदमी जो है अपना भूखे अपना पड़े हैं घर में। आरोप यह है कि यहाँ पर राहत सामग्री माननीय विधायक जी के द्वारा जो प्रदान, मतलब यहाँ प्रशासन के द्वारा जो आई हुए बांटने के लिए, यहाँ पे कम से कम 100 घर है जो एकदम पानी में डूबे हुए लोग परेशान है, और माननीय लेखपाल साहब जो है जबरदस्ती लाठी के हाथ कह रहे हैं कि नहीं, मुझको जो मन करेगा मैं करूंगा, जिसको मन करेगा उसको दूंगा, आप लोग कुछ नहीं कर सकते, मुझसे जबरदस्ती नहीं ले सकते। मारपीट करने तक उतारू हो गए और यहाँ से हाथापाई करके यहाँ से चले गए, कुल सामान में ताला बंद करके बोले कि नहीं, मैं किसी को नहीं दूंगा, मेरे ऊपर से आदेश है, जिसको आदेश मिलेगा मैं उसको दूंगा, मुझे घर वाले और डूबने से मुझे कोई मतलब नहीं है। विधायक जी दो बार आ चुके, परसों भी आए थे, कल आ करके जब विधायक जी आए तो बोले कि ठीक है मैं घर घर सबके घर घर पहुंचा दूंगा, और आज जब सुबह में हम लोग आए कि भाई जब विधायक जी कहे और आपने स्वीकार किया कि घर घर पहुंचाऊंगा, तो बोले कि नहीं, वो विधायक जी के कहने से मैं कुछ नहीं करने वाला हूँ, जो मुझे मन में आएगा सो मैं करूँगा, आप लोग मुझसे जबरदस्ती नहीं ले सकते।